गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे पार्ट 9 शास्त्री जी। ठीक है, शास्त्री जी मतलब श्री लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में आज हम इस पार्ट में पढ़ेंगे। मतलब उनकी जीवन शैली, मतलब उनका जिस किस प्रकार का उनका जीवन था उस विषय में इस पार्ट में दिया गया है। तो चलो आइए हम लोग पढ़ते हैं पार्ट 9 शास्त्री जी। श्री लाल बहादुर शास्त्री भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे। ठीक है, दूसरे मतलब दूसरे नंबर के, जो पहले प्रधानमंत्री कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये दूसरे प्रधानमंत्री थे। उनका जन्म 2 अक्टूबर 1904 को मुगल सराय उत्तर प्रदेश में हुआ था। 2 अक्टूबर को और किसका जन्मदिन रहता है बेटा, गांधी जी का। ठीक है, तो 2 अक्टूबर के दिन लाल बहादुर शास्त्री जी का भी जन्मदिन था और इनका जन्म हुआ था 1904 को। उनके पिता का नाम शारदा प्रसाद श्रीवास्तव था एवं माता का नाम राम दुलारी था। उनका बचपन बहुत अभावों में बीता। अभावों मतलब कमियों में, मतलब हर चीज़ की हर तरह से उनके घर में कमी थी। मतलब सुख के साधन कम थे, मतलब बहुत ही उनके घर में कमियां थी। जब वे बहुत छोटे थे तभी उनके पिता का स्वर्गवास हो गया। स्वर्गवास मतलब मृत्यु हो गई, उनके पापा की मृत्यु हो गई। कठिन परिस्थितियों ने उन्हें निडर, दृढ़ निश्चयी व सच्चा देशभक्त बना दिया। कठिन परिस्थितियां मतलब घर की स्थिति उनकी ठीक नहीं थी, जिसके कारण वो निडर बन गए थे और दृढ़ निश्चय मतलब जिस काम को करने के लिए वो ठान लेते थे उस काम को करना ही करके ही रहना, ऐसा निश्चय वाले थे। वह सच्चा देशभक्त बना दिया। देशभक्त मतलब देश के प्रति सम्मान रखने वाला। ठीक है, देश को स्वतंत्र कराने के लिए वे कई वर्षों तक कारावास में रहे। कारावास मतलब जेल। ठीक है, मतलब देश को स्वतंत्र कराने के लिए वे कई वर्षों तक कारावास मतलब जेल में रहे। जेल में रहते हुए भी वे कभी अंग्रेजों के सामने नहीं झुके। मतलब जब तक वे जेल में थे कभी वे अंग्रेजों के सामने अपने आप को झुकने नहीं दिया।